गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धातु किसे कहते हैं। धातु को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु। तो धातु का अर्थ हुआ क्रिया। क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया कोई भी किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जो कोई भी काम हो रहा है या कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में धातु कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि धातु क्या होती है, धातु किसे कहते हैं। धातु का अर्थ है क्रिया या वर्ब। और क्रिया क्या है? किसी भी काम का करना या होना क्रिया है। तो बच्चों संस्कृत में धातु रूप 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार यानी कि वर्तमान काल, दूसरा लिरिक लकार यानी कि भविष्यत काल, तीसरा लंग लकार यानी कि भूत काल, चौथा लोट लकार यानी कि आज्ञार्थक अर्थ में, पांचवा विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ में। तो बच्चों पहले हम लट लकार वर्तमान काल के धातु रूप सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज हम लिरिक लकार में धातु रूप सीखेंगे, अर्थात भविष्य काल के फ्यूचर टेंस के धातु रूप सीखेंगे। बच्चों आइए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। देखिए ये जो धातु रूप होते हैं बच्चों हमारे 3 वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन में चलते हैं। एक के लिए एक वचन की क्रिया लगेगी, दो के लिए द्विवचन की क्रिया लगेगी यानी धातु रूप लगेंगे, और बहुवचन के लिए ज्यादा के लिए बहुवचन की क्रिया या धातु रूप लगेंगे। तो 3 वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पांचों धातु रूप 3 वचनों में ही चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुषों में ही चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर देख लीजिए बच्चे ध्यान से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 ही पुरुषों में चलेंगे और 3 ही वचन में हमारे पांचों तरह के धातु रूप चलते हैं। यह है हमारे भविष्य काल के बच्चों। भविष्य काल के जो धातु रूप होते हैं इसमें बच्चों जो लास्ट के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये वर्तमान काल जैसे ही अर्थात लट लकार जैसे ही चलते हैं। जैसे देखो ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह, यानी कि जो लास्ट के जो चिन्ह हैं इन्हें प्रत्यय भी कह सकते हैं बच्चों, साइन भी कह सकते हैं। तो जो लास्ट के साइन हैं ये लट लकार के भी यानी कि भविष्यत काल के भी लट लकार के जैसे ही वर्तमान काल के जैसे ही लगते हैं। आपने देख लिया होगा ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। इसमें क्या इंक्रीज होता है, इसमें क्या बढ़ाते हैं भविष्य काल में? जैसे हम भविष्य लिखते हैं ना बच्चों, देखिए इधर इधर देख लीजिए, जैसे हम भविष्य लिखते हैं भविष्य, भविष्य या भविष्य काल, ठीक है, भविष्य या भविष्य काल लिखते हैं जैसे, ये देखिए भविष्य काल। तो इसमें जो ई और ये श और ये जो भविष्य हिंदी में लिखे में आया है वही हमारा इसमें बढ़ जाता है। देखिए छोटी ई से मे की मात्रा, ई की मात्रा, आधा श और ये सभी में बड़ा हुआ है। तो मान लीजिए हम पठ के, पठ माने पढ़ना, पठ के लिरिक लकार के धातु रूप लिखेंगे तो पठ लिख लिया हमने पहले पठ, ओके। इसमें क्या बढ़ा रहा है हमें? छोटी की मात्रा, तो देखिए ये बढ़ गई। और क्या बढ़ेगा? आधा श, ये देखिए, और ये 3 चीज़ हमें बढ़ा दी हैं। तो और लास्ट की साइन वही है लट लगा जैसे, तो पठी शय ती। तो ये हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन बन गया। सभी में इसी प्रकार से बच्चों जो हमारे लट लकार के धातु रूप हैं लिरिक लकार के बनाने के लिए सभी में हमें छोटी की मात्रा, आधा शय बढ़ाते जाएंगे, आधा शय और यह बढ़ाते जाएंगे, और क्या बाद के साइन हमारे लट लकार जैसे ही बनेंगे। जैसे अब पठी शय, तो देखिए पठ ले लिया हमने, फिर इसमें छोटी की मात्रा बढ़ाई हमने, आधा शय बढ़ाया, यह बढ़ाया और बी लास्ट का साइन ये ले लिया, पठी शय तह, पठी शय तह। इसी तरह से हमारे सारे रूप बनते जाएंगे। ये प्रथम पुरुष का एक वचन बन गया, ये प्रथम पुरुष का द्विवचन बन गया, और इसमें लिट लकार। इसी प्रकार से पठ की जगह हमारी कोई और भी धातु होती बच्चों, धातु माने क्रिया, कोई और भी क्रिया होती तो उसके भी रूप हम इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आज हमने लिट लकार के धातु रूप बनाने सीखे।